हेलो दिस इज इंदर वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू दोस्तों मैं कल रिव्यू कर चुका हूँ ब्रीथ इंटू द शेडोज़ को और मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बोला था कि मैं बड़ी ही जल्दी इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करूँगा बड़ी ही जल्दी क्योंकि एंडिंग बहुत अलग सी सिचुएशन हमारे लिए छोड़ के जाती है बट सॉरी मैं एंडिंग में भी खुद क्लियर नहीं हूँ कि सिचुएशन बची क्या है एंड में हमारे पास तो जब तक मैं खुद क्लियर नहीं होता आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए अभी एक दो डाउट्स हैं मेरे जैसे ही मैं वो क्लियर कर लेता हूँ आई एल बी बैक टू यू विद द एंडिंग एक्सप्लेनेशन और ब्रीथ इंटू द शेडोज बट दिस वीडियो इज अबाउट द स्टोरी ब्रीफिंग बेसिकली स्पॉयलर और मैं स्टोरी बताने वाला हूँ इसके अंदर तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि सीरीज बहुत लंबी है और वो डायरेक्ट करक्स जानना चाहते हैं सो यू आर एट वेरी राइट प्लेस लेकिन अगर आप गलती से इस वीडियो पर लैंड कर गए हैं और आपको मेरा साफ सुथरा रिव्यू देखना है ब्रीद इंट द शेडोज का तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके स्पॉयलर फ्री रिव्यू देख सकते हैं जहां पर मैंने बिना किसी स्पॉयलर के अच्छे से रिव्यू किया है डिटेलिंग की है पूरी सीरीज की बट दिस वीडियो इज अबाउट द स्पॉयलर एंड स्टोरी ऑफ ब्रीद इं टू द शेडोज तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस कड़ी की जो दोनों सीजन्स के अंदर कॉमन है दैट इज कबीर सावंत एंड प्रकाश कामले यानी कि अमित साध और ऋषिकेश जोशी जो पिछले सीजन में भी थे और इस सीजन में भी हैं फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये मुंबई में थे अब ये डेली में है बट ये डेली में कैसे आए अब कुछ छः महीने पहले कबीर सावंत के काम करने का स्टाइल हम सबको पता है कि बहुत दबंगई से काम करते हैं वो तो एक मुजरिम का पीछा कर रहे होते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि एक्सीडेंटली उनसे एक लड़की गिर जाती है बिल्डिंग से और वो लड़की अब हाफ पैरालाइज हो चुकी है लड़की का नाम मेघना है वो डेली में रहते हैं अब कबीर सावंत इस जुर्म की सजा में छह महीने जेल भी काट कर आ चुके हैं जो हम ट्रेलर में देख भी चुके हैं अब वापस जब वो निकलते हैं जेल से बाहर तो अपना ट्रांसफर वो डेली करवा लेते हैं सिर्फ मेघना से मिलने के लिए क्योंकि उनके मन में काफी गिल्ट है और वो सोरी मांगना चाहते हैं मेघना से तो वो इस काम के लिए डेली आते हैं पर जब वो डेली आती है तो उनको एक केस मिल जाता है जो हम ट्रेलर में देख चुके हैं सो सोना मूव टू द ट्रेलर और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टोरी ब्रीफिंग सो so, ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि डॉक्टर अविनाश और उनकी पत्नी आभास अगरवाल प्लेड बाई अभिषेक बच्चन एंड निथा मैनन जिनकी छः साल की बेटी किडनैप हो चुकी है अब किडनैपर इन स्टेड ऑफ रैंडसम मनी वो उनसे कुछ अजीब अजीब से काम करवाता है कुछ लोगों को मरवाता है और उनके मरवाने का रीज़न किसी का भय है किसी का लस्ट है किसी का गुस्सा है अब ऐसा वो कर क्यों रहा है और ये किडनेपर है कौन तो सबसे पहला स्पॉलर यहाँ पर यह आता है द किडनैपर इज अभिषेक बच्चन हिम बट दिस इज नॉट अविनाश सब्रवाल दिट इज दिस इज जे बचपन में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है अविनाश के साथ कि उसके अंदर एक स्प्लिट पैदा हो जाता है उसका दैट इज जे अब सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आप लोगों के लिए जानने के लिए है दैट इज जब जे पैदा होता है तो उस टाइम पे अविनाश नहीं होता और अभी भी जब जे आता है जब वो किडनेप करता है सिया को या जब भी वो जे रहता है पर्दे पर या अविनाश के अंदर यानी कि अभिषेक बच्चन के अंदर तो अविनाश वहां पर नहीं होता अविनाश उस टाइम पर सो रहा होता है या बेहोश होता है बट जब अविनाश होता है तो जे स्टैंड बाय you know, पर रहता है जे यू नो आइडल मोड पर रहता है उसको पता होता है अविनाश किन लोगों से मिलता है अविनाश क्या करता है बट अविनाश इज हंड्रेड परसेंट अन अवेयर ऑफ जे इसीलिए उसे नहीं पता कि उसने खुद ने ही अपनी बेटी को किडनैप किया है सो so, देख रहे हो आप कि एक बाप ने अपनी बेटी को किडनैप किया है और उसे ही नहीं पता और वो अपनी बेटी से लगभग नौ महीने से दूर है जबकि वो डेली मिलता है उसे यूनिकनेस मुझे बहुत सही लगी ये चीज जो मैंने आज तक शायद कभी नहीं देखी थी मे भी हो सकता है कि ऐसा हो बट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था सो so, जे ऐसा कर क्यों रहा है तो ये सारे सवालों के जवाब बचपन में नैनीताल में छिपे हैं क्योंकि जब जे पैदा हो जाता है अविनाश के अंदर जो अविनाश को बेसिकली पढ़ाता है बड़ा करता है यू you नो know, सब देखभाल करता है उसकी बहुत प्यार भी करता है उसको सो सिर्फ उसको और बचपन का जो साइकैट्रिस्ट होता है अविनाश का इन दो बंदों के अलावा और जे के अलावा किसी को नहीं पता कि जे है इवन अविनाश को भी नहीं पता सो so, जे भी अपने आप को छिपा कर रखता है अविनाश से और अविनाश काफी डरपोक किस्म का इंसान है जो उसका डर था उन्हीं सब के कारण जे पैदा होता है उसके अंदर क्योंकि कुछ बचपन में ऐसा हो जाता है उसके साथ कि जिसके कारण उसका डर इकट्ठा होकर जे बन जाता है सब स्टोरी काफ़ी आगे चली गई है अविनाश काफ़ी बड़ा हो चुका है तो एक दिन अपने गुरु से मिलने जाता है वो वहाँ नैनीताल में और वहां पर उसे पता लगता है कि उसका गुरु भी नहीं चाहता कि जे रहे उसके अंदर और वो अविनाश को ये सब बता रहा होता है कि अब तुम्हें जे का इलाज करवा लेना चाहिए और जे अपने अंदर से निकाल दो बट उस टाइम पर वहां पर अविनाश नहीं होता वहां पर जे होता है और यहाँ से स्टोरी शुरू हो जाती है जे की फिर जे को लगता है कि मैं अविनाश को खुद छोड़कर चला जाऊंगा लेकिन पहले मैं उसकी जो सारे डर हैं उनको खत्म कर दूं तो बचपन के अविनाश के जो सारे डर थे वही सब वो बंदे थे जिनको जे बड़ा होकर खुद अविनाश से ही मरवाता है सो दिस इज द रीजन क्योंकि वो अविनाश, अविनाश के अंदर से सारे डर खत्म करना चाहता है उसके ताकि अविनाश अच्छे से अपनी लाइफ जी सके और उसके बाद जे खुद बोलता है कि जैसे ये सब डन हो जाएगा मैं चला भी जाऊंगा अब जे को ये बात बिल्कुल पता थी कि अविनाश यह काम किसी कीमत पर नहीं करने वाला सो ये सब एक ही तरीके से करवाया जा सकता है अविनाश से वो है सिया तो वो सिया को किडनैप कर लेता है और सिया के जरिए ही वो उन लोगों को मरवाता है अविनाश के हाथों जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अविनाश को बचपन में हर्ट किया है सो so गाइज ये मेन फोकस और ये मेन प्लॉट है स्टोरी का इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एंड में क्या होता है और कैसे पकड़ा जाता है जे तो आभा को भी यानी अविनाश की वाइफ को भी नहीं पता कि जे रहता है अविनाश के अंदर और कबीर सावंत जो केस सोल्व करते करते कहीं कहीं ना कहीं अविनाश पर डाउट करने लग जाता है सस्पेक्ट में आ जाता है अविनाश कि शायद यही सारे मर्डर्स कर रहा है अब कबीर सावंत भी ये सारे सवालों के जवाब खोजता खोजता नैनीताल पहुंच जाता है एट द सेम टाइम आभा भी अविनाश का पीछा करते करते यानी जे का पीछा करते करते सिया को ढूंढ लेती है तो दोनों को सेम टाइम पर कबीर को भी और आबा को भी सेम टाइम पर पता लगता है कि जे यानी कि विनाश के अंदर कोई है और अविनाश ही ये सारे काम कर रहा है तो फाइनली जब दोनों पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं जे को पकड़ लेते हैं तो सीए वापस आ जाती है अब अविनाश का इलाज करने के लिए करवाने के लिए एंड में उसे असैलम भेज भेज दिया जाता है और वो वेंटल असायलम के अंदर तीन साल से है पिछले और वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है बट क्या वो ठीक हुआ है या नहीं क्योंकि एंड में बहुत सॉलिड सा हिंट हमें देखे जाती है स्टोरी यही मुझे थोड़ा डाउट है तो जैसे ही मेरा ये डाउट क्लियर होता है मैं आपके साथ बड़ी ही जल्दी दोबारा जुड़ूंगा सो गैस ये थी ओवरऑल स्टोरी कि जो अविनाश है उसी के अंदर जे है जो ये सारे काम कर रहा था सो दैट्स इट अबाउट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रीथ इन टू दस बड़ी ही जल्दी मिलूंगा एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ सो so अभी के लिए अलविदा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन गिव इट अ लाइक शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो प्यार मिलेगा तभी आगे बढ़ेंगे फिर मन करता है काम करने का बूस्ट होता है बंदा सो दैट्स इट थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग